स्वर्ण मंदिर से बेहतरीन यादों को साथ लेकर आज हमारे सफर का कारवां अमृतसर से बढ़ चुका है राजस्थान की ओर। इस ट्रेन जर्नी में दिन की शुरुआत होती है भटिंडा से, जहां काफी कोहरा था। हाँ, लोगों की चहल पहल के बीच में ये जो सफर था काफी रोमांचक था। जब खेतों से ट्रेन गुजर रही थी तो भी आपको धुंध ही धुंध दूर तक दिखाई देगी। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक अलग ही बदलाव देखने को मिलता है। धुंध छट जाती है यहाँ पे और दूर दूर तक लहलहाते सरसों के खेत खूबसूरती से देखने को मिलते हैं। और आगे चलकर धीरे धीरे हम लोग रेगिस्तान की ओर बढ़ चले हैं। हाँ, पर यहाँ का जो जीवन है ये एक अलग ही मायने रखता है। इस सफर में ट्रेनों से भी अपनी खूब क्रॉसिंग होती है। एक बेहतरीन शाम ढलती है यहाँ पर और देखते ही देखते आसमान का रंग जो है वो बदल जाता है। तो कुछ ऐसे ही सफर में आज मैं आप सबको लेकर चलने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस सफर को एंजॉय करिए। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे को नए वीडियो में। अभी हम लोग आ चुके हैं सूरतगढ़ जंक्शन में। आप लोगों ने तो मेरी जर्नी देखी होगी, हम लोग अमृतसर से जोधपुर तक ट्रैवल कर रहे थे जम्मू तवी जोधपुर एक्सप्रेस में। इसका रूट काफ़ी कमाल का है। हम लोगों ने फिरोजपुर कैंट पूरा जो बॉर्डर वाला हिस्सा है ना वो कवर किया, और भटिंडा के रास्ते अभी आ चुके हैं सूरतगढ़ जंक्शन में, जहाँ से आपको अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर के लिए लाइन मिल जाती है, जो कि स्वरूपगढ़ से थोड़ी अलग होती है। और बाकी आप लोगों को मैं बता दूं, अगला जो हमारा रूट होने वाला है यहाँ से, ठंड आप लोगों ने यहाँ तक एंजॉय की ना, अब रेगिस्तान की बारी है। सूरतगढ़ से थोड़ा रेगिस्तान शुरू हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे लालगढ़ से बीकानेर नोखा नागौर मेड़ाता होते हुए जोधपुर तक पहुँचेंगे रात 8 बजे। अभी यहाँ पे हो रहे हैं 12:40, ट्रेन यहाँ पे 20 मिनट के डिले के साथ आई है, 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट टाइम होने वाला है। जर्नी एक्सपीरियंस आप लोग को काफ़ी मजा आएगा। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं सूरतगढ़ जंक्शन से अब जोधपुर तक। भाई जिन लोगों ने लेकिन पार्ट 1 नहीं देखा पहले उसे देख लो, एक फ्लो बना रहेगा, मज़ा बहुत आएगा। दोनों ही पार्ट काफ़ी मेहनत से काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोग के लिए बने। बाकी अपनी गाड़ी 20 मिनट के हॉल्ट के बाद सूरतगढ़ जंक्शन से भी निकल चुकी है। अगला स्टॉप हमारा लालगढ़ जंक्शन है। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, रात 9 बजे के आसपास चलती है। जम्मू से अमृतसर आई थी रात 2:30 बजे, वहाँ पे एक रिवर्सल हुआ इसका। सबसे पहले तो आती है तो पठानकोट में रिवर्सल होता है, फिर यहाँ पे उसका अमृतसर में हुआ, फिर जलंधर में हुआ, फिर फिरोजपुर में हुआ। मतलब 4 रिवर्सल गाड़ी के हो चुके हैं, 4 बार गाड़ी डायरेक्शन बदल चुकी है। तो मैंने जिसमें से इसके 3 रिवर्सल देखे, अमृतसर वाला, जलंधर वाला और यहाँ अपना फिरोजपुर वाला। बाय बाय, छोटे बच्चे प्यार से बाय कर रहे थे। बाकी गाड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है। एक चीज़ है इसमें, टिकट अवेलेबिलिटी आपको आसानी से मिल जाएगी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर जम्मू तभी से आप इसमें टिकट बुक कर रहे हो जोधपुर तक तो वो कन्फर्म हो तभी बुक करना, RAC हो तभी बुक करना, वेटिंग वाला कन्फर्म नहीं होता उसमें मोस्टली। अगर आप लोग अमृतसर से बुक करते हो तो लास्ट डे भी बुक करेंगे तो भी कन्फर्म हो जाएगा, ऐसा होता है इसमें, क्योंकि जम्मू से अमृतसर की सवारी जो है वो ज़्यादा चलती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी पहले ये ट्रेन चलती थी जम्मू तभी भटिंडा तक, इसलिए इसका नाम था भटिंडा एक्सप्रेस। अनाउंसमेंट भी भटिंडा एक्सप्रेस के नाम से होगी, पंजाब में जाता जगहों पर, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। समय के साथ एक्सटेंड हुई जोधपुर तक यानी भगत की कोठी तक, तो वो वाला रूट आज आप मेरे साथ एक्सप्लोर कर रहे हो। 2-3 साल पहले एक्सटेंड हो गई थी तो अभी तो यहाँ तक जाती, वरना जब मैंने एक बार पहले वैष्णो देवी के लिए यात्रा की थी तब ये भटिंडा से ही चलती थी। खैर, अभी तक पूरे रूट में कहीं भी हमें रेगिस्तान देखने को नहीं मिला था, लेकिन सूरतगढ़ पार करते ही ये इच्छा यहाँ पे पूरी हो जाती है, क्योंकि दूर दूर तक रेगिस्तान देखने को मिल रहा था। और इस सफ़र में अपनी ट्रेन तेज़ रफ्तार से बढ़ते हुए बीकानेर की ओर बढ़ रही है।
तो सामने चल रहा है पूरा प्रॉपर डेजर्ट, और मलार भाई का मन था कि ट्रेन के खाने को रिव्यू किया जाए, तो ये साइड पेंट्री का खाना है, ये हम लोगों ने ले लिया है। इसका टेस्ट देखें कैसा है, क्वांटिटी और बाकी चीज़ें देखें तो काफ़ी सही लग रहा है। क्यों मतलब स्टेशनों में कचौड़ी समोसे ऐसा मिलेगा, रोटी खाने का मन था, थोड़ा चावल खाने का मन था, वो चाहिए तो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। रेगिस्तान लेकिन काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना, मतलब देखो आर्मी के टैंक्स जा रहे हैं, मतलब आर्मी के ट्रक्स, ट्रक्स आर्मी ट्रक्स जा रहे हैं वहाँ पे सब। एक बॉर्डर मूवी में जैसे दिखा था ना, वो वाली फीलिंग आ रही है। मस्त है यार, व्यू बहुत अच्छा है। मेन बात पता है क्या, इस रूट पर व्यू इतना बढ़िया मिलता है आपको, और साथ में खाना पीना खा के आप सफ़र को एंजॉय कर सकते हो। भाई स्वाद का तो पता नहीं, पर खाना देखने में बड़ा बढ़िया लग रहा है। दाल देख लो, मटर और पनीर है, एक्चुअली उसमें पनीर है, और ये सब्जी। मन कर रहा है राजस्थान में भी और रुका जाए, घर जाने का मन कर नहीं रहा है। संदीप भाई मोटे हो गए, 5-5 किलो बढ़ गए, लेकिन अब ये देखने के बाद और ये देखने के बाद घर जाने का मन नहीं कर रहा है। मेरा तो और मन कर रहा है कि राजस्थान, मन कर रहा है जैसे मैं जाके 2-3 दिन चिल मारे फिर से। बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे रोटियां जो हैं काफ़ी सॉफ्ट सी हैं, और मैं तो मेनली एक्साइटेड हुआ ये मटर पनीर देख करके, इसका स्वाद देखते हैं कैसा है। बढ़िया बनाया यार, राजस्थान में आते ही खाना पीना मिलने लगे बढ़िया। हल्दी तेल नमक वाली जो सब्जी होती है ना राजस्थान की फेमस, वो स्वाद एकदम प्रॉपर इसमें। बस एक बार दाल आप लोग के लिए टेस्ट और कर लेता हूँ, चावल तो बढ़िया लग रहे हैं देख के। टेन ऑन टेन थाली है। राजस्थान में खाना खाओगे ना तो हल्दी का स्वाद ज़्यादा आएगा, वही चीज़ इसमें आ रही है, एकदम बढ़िया है। सरसों के खेत की बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, और अभी जस्ट अभी जो हम लोगों ने ट्रेन क्रॉस की ना, वो थी भगत की कोठी से जम्मू तवी की ओर जाने वाली हमारी ट्रेन का अप डायरेक्शन। एक तो रात में अमृतसर में क्रॉस हुई थी, और दूसरी जो अभी सुबह सुबह क्रॉस हुई थी, तो ये थी अपनी वही ट्रेन। अभी हमारी ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है सूरतगढ़ से लालगढ़ के बीच में, तो ट्रेन लगातार भाग रही है 100 की रफ्तार में, और ऐसे ही सरसों खेतों के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, धूप वगैरह मिल रही है और हवा भी काफ़ी सुगंधित मिल रही है, एंजॉय करी जाती है आप। और यहाँ रास्ते में हमें मीटर गेज के कोचेस भी देखने को मिल जाते हैं। अब ये कह नहीं सकते हैं कि इनको मेंटेनेंस के लिए ले जाया जा रहा है या स्क्रैप करने के लिए, पर जो भी हो ब्रॉड गेज की ट्रेन के ऊपर मीटर गेज के ये छोटे डिब्बे पुराने समय की ज़रूर ही याद दिलाते हैं। कभी अगर आप लोगों ने इनमें यात्रा की है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। बीकानेर दादर रणकपुर एक्सप्रेस,
कोलायत, फलोदी और जैसलमेर जाने के लिए ट्रेन यहीं से बदली है। 2:38 to 40 दो मिनट का यहाँ पे हॉल्ट टाइम था, पर ट्रेन यहाँ पे 3:08 पे पहुँची आधे घंटे के डिले के साथ। मैं तो यार थोड़ी सी नैप भी ले लिया यहाँ पे, मतलब 15 मिनट के लिए सो गया था। नॉन स्टॉप ट्रेन भाग रही थी और बाहर जो है मौसम अब अच्छी खासी धूप का हो गया। सुबह भयंकर ठंड थी, इतनी कि मतलब 12 बजे तक विजिबिलिटी नहीं थी, और अभी अच्छी खासी धूप है कि अब ये कपड़ा पहन के रहा नहीं जा रहा है। बीकानेर में हमारे एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, उनसे आपको मिलाऊंगा। वो ऑन बोर्ड तो नहीं है साथ में हमारे, हाँ मिलने ज़रूर आए हैं प्लेटफॉर्म पर, राकेश सर हैं, ज़रूर आपको उनसे मिलाऊंगा। आपको मिल के बहुत अच्छा लगेगा और हाईली मोटिवेशन अंदर से आपको फील होगा, हाईली मोटिवेटेड आपको फील होगा। चलिए मिलते हैं बीकानेर जंक्शन में अब सीधा। लालगढ़ कभी मान लो आप किसी काम से आ रहे हो ना, तो जस्ट स्टेशन के जस्ट बाहर ही दुधी होटल नाम का होटल है, वहाँ मैं पहले रुक चुका हूँ। काफ़ी बढ़िया होटल है लालगढ़ में, वहाँ आप रुक सकते हो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बजट में वो काफ़ी बढ़िया होटल है। लालगढ़ में 2 मिनट ट्रेन रुकी, अच्छी बात है। अब सीधा बीकानेर जंक्शन में आपसे मिलते हैं। जो गलियाँ हैं ना लालगढ़ से बीकानेर का, जो रेलवे ट्रैक है ना, एकदम पतली सकरे रास्तों में बना हुआ है, काफ़ी क्लोज है। देखिए आप लोग, काफ़ी सही लगेगा। अभी इतना करीब होता है यहाँ पे घर वगैरह कि इन गलियों में लोको पायलट से ट्रेन को तेज चला ही नहीं सकते हैं। अगर आप गौर करें तो एकदम घर चिपक के बने हुए हैं दोनों ही तरफ, ज़्यादा स्पेस नहीं दिया होता इन गलियों में। यहाँ पे बीकानेर जंक्शन का होम सिग्नल भी शुरू है। उतने ही स्पेस में गाय है, घर है, दीवार है और ट्रेन भी गुजर रही है, काफ़ी कंजस्टेड है और लोगों ने गंदगी तो कुछ ज़्यादा ही फैला के रखी इस एरिया में। ये देखिए गाय भी इतने में फंसी है, समझदारी से अपने एक जगह पे खड़ी हुई है खाने की तलाश में। हाँ गाय के कारण देखो ट्रेन फंसी हुई थी, आपने शायद ही देखा हो वहाँ पे, गाय जस्ट अभी क्रॉसिंग की तरफ गई है। इतने स्पेस में क्रिकेट मैच भी चल रहा है, वाह। यही कहीं एक स्पेस में गाय भागी थी भूरे कलर की, ब्राउन यानी। आइए देखो ये अपना बीकानेर शहर, और आगे एक और क्रॉसिंग आएगी उससे बीकानेर की भुजिया फेमस है, आप लोगों को पता होगा, तो उसकी जो दुकान है वो काफी पास पड़ती है यहाँ से। ये जो तिराहा है ना, यहाँ पे कॉर्नर में शॉप है बीकानेर की भुजिया भंडार। ये सब एरिया मैंने वॉक किया हुआ है पैरों से, थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में। इसने वहां पे एक सेलिब्रिटी लोकोमोटिव भी खड़ा है किसी ट्रेन के साथ, और बीकानेर में अपना अराइवल हो चुका है। बीकानेर दादर सुपरफास्ट, वन टू फोर नाइन जीरो बन के जाती है। फल वगैरह भी मिल रहे हैं बीकानेर स्टेशन में, तो आपको वो दिक्कत भी यहाँ पे नहीं होगी, और सफिशेंट टाइम रहता है अपने पास, तो आप यहाँ से फल वगैरह खरीद भी सकते हो। स्टेशन का लुक भी काफ़ी खूबसूरत बना है। पर रेलवे की इंस्पेक्शन कार परख भी खड़ी हुई है। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कैसे हो भाई? अरे सर कैसे हो? अपनी फैमिली के कुछ लोग आए हुए हैं, भाई भी मिलने आए हैं यहाँ पे। नाम भाई आपका? मेरा मोहित सोनी। मोहित भाई रेल फैन? एकदम। आप भी रेल फैन?
नाम क्या भाई आपका? तमामी रंगा। हाँ तमामी रंगा। अच्छा तो भाई चैनल भी है क्या? रील्स ऑन बीकेएन। तो भाई बीकानेर के जो वीडियोस वगैरह हैं आप देखते हो ना रेलवे के ऊपर, ये लोग बनाते हैं मेहनत से, और सर के वीडियोस तो हम लोग हमेशा ही देखते आए हैं। शुभकामनाएं बीकानेर में आपका, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। और हमारा तो हमेशा यही रहता है प्रयास कि आप लोग जब भी आए हम आपसे कॉन्टेक्ट करें, और बीकानेर का जो स्वादिष्ट नमकीन का जायका वो तो लेके जाएँ। बहुत अच्छा लगा लेकिन आपसे मिलके सर, मुझे भी उतनी ही प्रसन्नता हुई थी। हम एक और बार मिले थे लेकिन उस दिन वीडियो नहीं बना था, मैं सो रहा था तो अचानक से मुलाकात हुई थी आपसे, और आज हुई। सामान वाला तो संभालो। हाँ ये रख लेते हैं सर। देखो सर हमारे लिए कितना कुछ लेके आए, देखो इतना कि बस आने वाले दो तीन जर्नी तक कुछ लेना ना पड़े हमें। सर वो कौन सी स्पेशल जगह है जहाँ पर रेगिस्तान के बीच में जाके हम सफर वगैरह को स्पॉट करते हो? थोड़ा अभी आएगी उद्राम सर, अभी आप जाओगे ना? हाँ 12 किलोमीटर दूरी पे आएगा, 10 से 12 किलोमीटर करो आएगा ना। हम लोग जो करनी माता वाले रास्ते में जाते हैं उसी में ना, उसी में ये स्किप कर दिया ना, स्किप करेंगे मगर बनाना वो बहुत। अरे हम तो बनाएंगे बनाएंगे, बहुत बढ़िया था। दोनों साइड में हम सफर वाले वीडियो आपके वहीं पे अच्छे लगते हैं बहुत सारे, तो सर भी लेजेंडरी वीडियोस बनाते हैं, पूरे डीजल लाइन कवर कर रखी है। अब जब देखो धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन हो ही रहा है, जब खत्म हो जाएगा तो इन्हीं के वीडियो यादें बन के हम लोग उसी को रिवाइंड कर करके देखा करेंगे हम लोग। अभी आपको यहाँ पे इतने सारे डीजल लोकोमोटिव मिल रहे हैं, आने वाले समय में आज से 2-3 महीने बाद आपको इतने लोकोमोटिव यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का साम्राज्य यहाँ तक आ चुका है। धीरे धीरे यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव सब खत्म होते चले जा रहे हैं। भाई लोग बता रहे थे कि आज बहुत दिन बाद उन्होंने एक साथ 3 लोकोमोटिव को यहाँ पे देखा है, वरना अब लंबे समय से ये देखने को यहाँ नहीं मिलते हैं। सोलापुर गोल गुंबस की तरह ही यहाँ पे भी देखो कोच पूरा खाली हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वो चोरी वाला माहौल नहीं है तो यहाँ पे वो दिक्कत नहीं होती। बाकी मैं 3 बोतल पानी और ले आया, रूट पर मुझे भरोसा नहीं है। बाकी अपना पूरा केबिन खाली है, गाड़ी पूरी यहाँ पे खाली पड़ी है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, बाहर से नज़र रखूँगा मैं खिड़की पे ही। तो यहाँ पे हमारे डिपार्चर का भी जो समय है वो हो चुका है, 3:45 पे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है भैया, चलो बाय बाय। फिर मिलते हैं सर कभी, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू। यहाँ पे सभी लोगों से प्यार से मिले, इतनी देर बातचीत हुई, अब जाने का मन तो नहीं था पर जाना पड़ रहा है। मिलेंगे जल्दी आप लोगों से एक बार नए सफर में, अच्छा लगा मिल करके। बीकानेर से अपना डिपार्चर, रावत लोकोमोटिव यहाँ पे खड़ा हुआ, जो फल वाले जो ठेला था लगभग आधे घंटे में यहाँ तक भी आगे आगे तक। लोकोमोटिव का शेड भी यहाँ पे हो गया, पहले तो केवल EMD लोकोमोटिव से थे, तब से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। यहाँ पे आप देख लो कितने सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी आ चुके हैं, अलग से शेड भी दे दिया गया है। थ्री AC इकोनॉमी का एक कोच भी है यहाँ पे, दादर बीकानेर दादर अमृतसर के साथ वाला। बाकी आप लोग को बता दूं कि चुरू रतनगढ़ होते हुए दिल्ली की ओर जो जाने वाली लाइन है वो यहाँ से अलग हो जाती है, जिसमें हमारी सियालदा बीकानेर दुरंतो निकलती है और दिल्ली बीकानेर इंटरसिटी भी यहीं जाती है। बाकी हम लोग बढ़ने वाले हैं अभी रोखा नागौर होते हुए मिड़ाता रोड के रास्ते जोधपुर की ओर, मिड़ाता से भी रूट जयपुर होते हुए दिल्ली जाता है पर हम लोग उससे जोधपुर की ओर जाएंगे।
पशु हैं जिन्हें लोग पाल के छोड़ देते हैं और फिर वो भटकते रहते हैं यहाँ के। यहाँ के मेहनती किसान, देखिए दोनों तरफ रेगिस्तान वाली पैच है, बीच में जहाँ इनको उपजाऊ ज़मीन मिली वहाँ पे खेती करते हुए, देखिए अचानक से हरियाली वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, पीछे सरसों के भी खेत लगे हुए हैं, तो ये सभी चीज़ें मेहनत से ही पॉसिबल है। ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ पूरा खाली पड़ा हुआ बंजर सा, फिर जो छोटा सा पैच आया यहाँ किसानों ने वहाँ भी मेहनत करके खेती कर ली। और उदरामसर में हमारी ट्रेन शायद रुकने वाली है, सिग्नल रेड है, बाड़मेर ऋषिकेश के साथ शायद अपनी क्रॉसिंग हो यहाँ पर, इसलिए मौके रोका जाता है इसे नॉर्मली, देखने क्या होता है। अच्छा कुछ सामान हमारे लिए लाया है यहाँ पे, मिठाई देख लो ये तो बहुत टेस्टी थी, अभी हम लोगों ने खोलते ही खा भी ली। और ये नमक पारे मुझे काफ़ी पसंद है, साथ में संतरे हैं और इसमें वो भी हैं अमरूद, बीकानेर के फेमस रसगुल्ले सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं, मतलब शायद ना पता हो। अच्छा, बीकानेर के रसगुल्ले फेमस होते हैं, पकड़ो टेस्ट करो अभी कभी। और यहाँ पर बीकानेर की फेमस कचौड़ियाँ हैं, ये भी चटनी है, और साथ में एक बड़ा सा पैकेट इसमें तो बीकानेरी भुजिया भरी पड़ी है। हाँ भाई एक ही बार में एक स्वाद लेके दिखाओ, बढ़िया है, मीठा ज्यादा है क्या है? एकदम बेस है, मतलब ज्यादा मीठा भी नहीं है, परफेक्ट है, बेस्ट है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी ये वाली मिठाई, एक्चुअली में मजा आ गया। थैंक यू सर ये सभी चीजें लाने के लिए, पहले मीठा खाओ फिर नमकीन खाओ, फिर मीठा खाओ फिर नमकीन खाओ, फिर उसके बाद फिर नमकीन खाओ और फिर फ्रूट खाओ, सब पचा के सो जाओ और जोधपुर पहुंचने तक खेल खत्म। बहुत गजब कचौड़ी, एकदम हींग भरा हुआ है इसमें, हींग का मस्त टेस्ट आ रहा है। और सर जहाँ से लाए हैं जो भी जगह मैं बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन स्वाद बहुत टेस्टी है भाई, बहुत बढ़िया है इसका। चाय भी ले लेते हैं संदीप भाई, इसके साथ चाय तो मतलब नेक्स्ट लेवल कॉम्बो है, किस्मत अच्छी थी चाय भी आ गई, अच्छे मन से याद किया था मैंने चाय को। चलिए चाय के साथ मैं इसे इंजॉय करता हूँ, आपसे आने वाले स्टेशन में मिलता हूँ। रफ्तार में देशनोक स्टेशन को पार कर दी थी, तो मैंने एक गुंबद दिखाया आपको, वो था करणी माता का मंदिर। यहाँ मैं डेडिकेटली आ चुका हूँ एक बार पैसेंजर ट्रेन से, और हमने कवर किया था यहाँ पे लाखों चूहे रहते हैं इस मंदिर में, जो इनकी पूजा की जाती है, और तो करणी माता की भी पूजा की जाती है। काबा हम लोग आए थे डेडिकेटली, इस वीडियो को कवर किया था, डिटेल में बनाया था कैसे दर्शन करने आप पहुँच सकते हो, क्या प्रक्रिया और क्या यहाँ की मान्यता है, सभी चीज़ें आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बाकी चलते हैं, अभी अपनी चीज़ें चली रही थी इनको फिनिश करते हैं।
यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है अभी नोखा रेलवे स्टेशन में। नए स्टेशन का निर्माण भी यहाँ पे चल रहा है। हम लोग का 4:24 का था अराइवल टाइम और ट्रेन यहाँ पे 20 मिनट के डिले के साथ पहुँची, 2 मिनट यहाँ पे रुकने वाली है और आते ही फ्लैग ऑफ का सिग्नल भी यहाँ पे मिल गया। मतलब ये कैसे है। और नागौर अभी लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, नागौर भी जाकर रुकेगी। जो लोग नोखा से हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर। स्टेशन तो काफ़ी प्यारा लगा मेरे को यहाँ का, देखो पेड़ वेड़ सब कुछ है, बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा था वरना लाइन से पेड़ है, थोड़ा सा ओपन एटमोसफेयर। और ये अपनी ट्रेन जनरल भी पूरा खाली, एसी भी पूरा खाली इसका। प्लेटफॉर्म का निर्माण कहाँ चल रहा है। लगता है यहाँ पे कोई कॉलेज वगैरह, इसलिए देखो पूरी भीड़ यहाँ पे आई हुई है शाम के समय में। धीरे धीरे जो ठंडक है ना वो अब बढ़ रही है, फील कर पा रहा हूँ मैं उसे। जैसे जैसे शाम यहाँ पे और आती जाएगी ठंडक और बढ़ती चली जाएगी। छोटे छोटे आपको यहाँ पे रेत के टीले भी देखने को मिलेंगे खूबसूरत से। और यहाँ पे ढलती हुई शाम, ये कॉम्बिनेशन सबसे खूबसूरत होता है। हम लोग अभी नागौर शहर पहुंच रहे हैं। बीकानेर और जोधपुर में लगभग आप कह सकते हो कि बीचों बीच पड़ता है नागौर और अपनी नमकीन और मिठाइयों के लिए मशहूर है।
बजे का अराइवल टाइम था और 5:30 बजे यानी 5:30 पे हम लोग पहुँचे आधे घंटे के डिले के साथ। बाकी नागौर की बात करूँ तो स्वीट एंड स्पाइसेस के लिए तो फेमस है ही, यहाँ पे स्टेशन में खाने पीने की चीज़ें सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे दिरसिया माता का मंदिर है जिन्हें माना जाता है कि महेश्वरी कम्युनिटी की कुल देवी हैं वो, तो आप लोग महेश्वरी कम्युनिटी से और कभी अगर आप लोगों ने यहाँ पे दर्शन वगैरह किए हैं अपने एक्सपीरियंस को लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई अपना दोस्त नागौर से है या आप लोग का कभी कोई एक्सपीरियंस है यहाँ का तो शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस अगर आप लोग शेयर करते हो ना तो सबके काम आता है फ्यूचर में, जब लोग ट्रैवल करते हैं कमेंट सेक्शन पढ़ के तो चीज़ उनके काम आती है। यहाँ पे देख लो सनसेट बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, कोच के गैप में आप वहाँ पे देख पा रहे होगे, है ना खूबसूरत, मज़ा आ रहा है इस ट्रेन जर्नी में। आपको यहाँ तक ऐसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। 2 मिनट का बस हॉल्ट है। देख लो बॉयज हॉस्टल में चल रहा है वॉलीबॉल, ये है मिनाता रोड का बाईपास वाला स्टेशन, वो उधर निकल गया दिल्ली जयपुर लाइन के लिए और अभी हम लोग मेरसा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन की ओर पहुंच रहे हैं। जंक्शन की ओर तो कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बीकानेर वाली लाइन और सामने से आ रही है जयपुर वाली लाइन, दोनों ही मिल रहे हैं, बन गए हैं जंक्शन। वैसे यहाँ से मेरसा सिटी के लिए भी अब DMU ट्रेन चलती है, अब वो शायद DMU हो गई तो कह नहीं सकता क्योंकि सामने इलेक्ट्रिफिकेशन दिख रहा है और सिग्नल भी ग्रीन है उस लाइन पे, बट हाँ एक ट्रेन चलती है। पहले तो ये रेल बस हुआ करती थी, अब एक नॉर्मल ट्रेन भी चला करती है इस रूट पे। ये 2 डिब्बे की ट्रेन जो मेरठा सिटी जाती है, देखते हैं इसमें कितने कोचेज हैं, 2 ही डिब्बे के तो मजा ही आ जाएगा। पार्श्वनाथ जैन मंदिर जाने के लिए यहाँ पे उतरी है, देखो ये वाली जो ट्रेन है ये जाती है मेरठा सिटी और उसमें कितने डिब्बे हैं, एक उधर और एक इधर, 2 ही डिब्बे में पूरी ट्रेन ख़त्म। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ देखना चाहते हो जर्नी, तो भाई इसको भी कवर करने के लिए निकला जाए एक दिन। शाम के समय मेरठा में बहुत चिड़िया देखने को मिलती हैं, शायद आपको आवाज़ें भी आ रही हो। एक फुटओवर ब्रिज है उस पर तो भरी होती है एकदम, मतलब क्या बताऊँ उसमें लाइन से आपको दिखेंगी बैठे हुए। तो मिनाता में हम लोग का अराइवल था 6:10 का, 6:20 पे पहुँचे बस 10 मिनट के डिले के साथ। अब यहाँ से ट्रेन गोटन और उसके बाद सीधा जोधपुर भागते हुए पहुँचेगी, मतलब मज़ा आया इस जर्नी में, लिटरली वर्थ थी। रात में हम लोगों ने अमृतसर से शुरू किया एकदम भयंकर ठंड में, फिर रिवर्सल वगैरह हुए खाते पीते एकदम ठंड मचाते हुए पहुँचे राजस्थान, और राजस्थान में भी बढ़िया ठंड थी। फिर शाम आते आते मौसम बहुत बढ़िया हो गया और दोपहर में थोड़ी धूप भी सेकने को मिल गई। और यहाँ पे देख लो गरम गरम यहाँ पे पूड़ियाँ सब कुछ बन रही हैं, पकौड़े बन रहे हैं, मेरठा की पकौड़ियाँ बहुत फेमस होती हैं, लोग खाते हैं पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि स्टेशन के ऑयल पे मुझे ज़रा भरोसा नहीं होता। सभी स्टॉल्स पे आपको गरम गरम पकौड़ियाँ मिल जाएंगी, चाय वगैरह मिल जाएगा, तो शाम के समय में बेस्ट होता है। अगर आप लोग साल में 1 से 2 बार ट्रेनों में ट्रैवल करते हो तो आप जो मैंने जर्नी में खाओ कुछ नहीं होने वाला आपको, ठीक है। हम जैसे लोग
जो महीने में 15 दिन ट्रेन में रहते हैं, हम लोग बाहर ही खाते हैं, बाहर ही का खा के रह रहे हैं, तो इसमें हम लोग के लिए बहुत हानिकारक होता है, पेट निकल गया, मुंह फूल गया। 20 दिन की जब 20-25 दिन की ट्रिप करते हैं ना, तो वजन 5 किलो बढ़ जाता है। आप अंदाज़ा लगाओ आप लोग क्या होता है शरीर के साथ। अभी भी मैं लगभग 20 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ और वजन बढ़ चुका है। अब घर की याद आ रही, जल्दी घर जाना पड़ेगा, सिग्नल भी हो गया अपना यहाँ से निकलने का। चलिए तो चलते हैं, डिपार्चर सिग्नल अपना यहाँ पे हो चुका है। 8 बजे तक गाड़ी अपनी जोधपुर भी पहुँच ही जाएगी। बहुत खूबसूरत लग रही है स्काई। शाम यहाँ पे ढली है, वाह, सोचा नहीं था कभी इतनी खूबसूरत सी शाम देखने को मिलेगी, वो भी ठंड के मौसम में। रंग देखिए आप लोग एक बार, वेलकम टू जोधपुर, द सन सिटी ऑफ इंडिया। जहां सामने आपको वो लेवल क्रॉसिंग दिख रही है ना, वो है जैसलमेर की लाइन सामने की ओर, वो फ्लाईओवर के नीचे से निकलती है। और अभी हम लोग रायका बाग पैलेस को पार कर रहे हैं। अभी ABR में कैलको लोकोमोटिव रेक शंट करते हुए बंद है अभी तक, है रेक शंटिंग नहीं चल रही है। यहाँ पे 8:13 पर यानी 8:13 पर हमारी ट्रेन आ चुकी है जोधपुर रेलवे स्टेशन में। ये जो डीजल इंजन की आवाज़ है ना, ये सुकून देती है। और यहाँ पे रणथंभौर एक्सप्रेस आई हुई है, तो वो खड़ी हुई है अभी यहाँ पर। 8 बजे का अराइवल टाइम था, 15 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं। वैसे तो ट्रेन आ गई थी 7:45 भी, पर रायकाबाग पैलेस पे खड़ी हुई थी काफ़ी देर से। फाइनली अपने जो सफ़र है यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोगों ने पंजाब से इस जर्नी को शुरू किया था, फिर राजस्थान में पहुँचे, एकदम एक्सट्रीम ठंडी से एकदम नॉर्मल वेदर तक का ये सफ़र था अपना। मज़ा आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी। साफ़ सफाई की बात करूँ तो काफ़ी एवरेज से थी। खाने पीने की बात करूँ तो इस ट्रेन के रूट में आपको स्नैक्स तो मिल जाते हैं, और खाना अगर आप चाहो तो सूरतगढ़ से ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगा सकते हो, वरना ट्रेन की जो थाली है ना उसे आप ट्राई कर सकते हो, खाना ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। वरना जोधपुर आप रात तक पहुँच रहे हो, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ खा सकते हो, ये चीज़ मैं आपसे कहूँगा। उतना ज़्यादा लोड नहीं है खाने पीने का, पानी भी आपको मिल जाता है ऑन बोर्ड साइड पेंट्री से, वरना स्टेशन में आप कलेक्ट कर सकते हो। टिकट अवेलेबिलिटी के लिए जो मैंने आपको लॉजिक बताया था ना अमृतसर वाला, उसे हमेशा यूज़ करना, हमेशा आपको खाली सीट मिलेंगी। स्लीपर क्लास उस ट्रेन का ऑलमोस्ट खाली ही जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 2 टायर का एक ही कोच है और 3 टायर के 3 कोचेज हैं। चलिए मिलते हैं नई जर्नी में नए वीडियो के साथ। मैं जाता हूँ सन सिटी एक्सप्लोर करने, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।